हेलो स्टूडेंट्स, कुंडू क्लासेस में आपका स्वागत है। ये हमारी नल और टैंकी पर थर्ड वीडियो है। इससे पहले हमारी दो वीडियो आ चुकी हैं, उन वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगर आपने वो नहीं देखी तो उन्हें देख लीजिएगा। इस वीडियो के अंदर हमने नल और टैंकी पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डाले हैं। आप उन क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, समझिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, क्योंकि ये आपके कॉम्पिटिटिव टेस्ट में, आपकी तैयारी में काफी अहम भूमिका निभाने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, टू टैप्स ए एंड बी सेपरेटली फिल अ टैंक इन 15 एंड 25 आवर्स रिस्पेक्टिवली इफ दे आर ओपन फॉर 1 आवर रिस्पेक्टिवली एंड स्टार्ट विद बी, देन How much time will it take to fill the tank? अब two taps हैं, A और B, separately fill the tank. अलग अलग से tank को fill करते हैं 15 और 25 hours में. If they are opened for 1 hour respectively and start with B, मतलब एक एक घंटे के लिए अगर उनको चलाया जाए तो कितने time में वो tank को fill कर देंगे? चलिए, A कितना time लेता है? 14 hours लेता है ना, और बी कितने आवर्स लेता है? 25 आवर्स। अब क्या करना है हमें इसमें? आप सबको, अगर आप सबने हमारे वीडियो देखी है तो आपको पता होगा, इसके बाद हम क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं, और वो हमारी क्या होती है? टोटल कैपेसिटी। ठीक है, ओके, 15 और 25 का जो एलसीएम है वो कितना होगा? 75। तो ये हमारी टोटल कैपेसिटी हो गई। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? हम ए और बी की एफिशिएंसी निकालेंगे। ए की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 75 को अगर 15 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? 5। ओके, और 75 को अगर 25 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? 3। 1 आवर की एफिशिएंसी ए की कितनी है? 5, और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। अब ये क्या कह रहे हैं? 1 आवर्स के लिए अगर बी से स्टार्ट किया जाए तो फर्स्ट आवर में बी ने कितना की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है, और उसके बाद ए सेकेंड आवर में ए आया, उसकी कितनी है? 5। तो टोटल कितनी होगी? 2 आवर्स में टोटल कैपेसिटी कितनी हुई? 8 ना। ठीक है कितनी? 75। तो कितने आवर्स में कंप्लीट करेंगे ये? तो ओके, अब ये 75 के नियर अबाउट 8 की टेबल लेकर जाओ, 8, 9 जा 72। तो 72 जो है, जो हमारे काम है, 72 जो वर्क है हमारा, ठीक है, वो कितने दोनों ने मिलकर कितने 9 आवर में, और दोनों का अगर मैच करें तो 8 काम कितने टाइम में करता है? 2 आवर्स में ना, तो वो फिर 9 × 2 कितना हो गया? 18 आवर्स में वो कितना 72 फिल कर लेगा, 72 वर्क फिल कर लेगा, है ना? 72 ओके, है कितना? 75। तो कितना रिमेनिंग रह गया? 75 में से 72 माइनस करो, 3 रह गया ना। अभी किसकी बारी आ गई? ये 9 टाइम्स तो दोनों ने फिल किया ना, 1 by 1, पहले बी से स्टार्ट, फिर ए, फिर बी से, फिर ए। तो अब किसकी बारी आएगी? इस तरह से अब बी की बारी आ जाएगी, और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 1 आवर, 3 है, तो 3 को 3 से कट कर दो, कितना आ गया? 1। तो 18 आवर्स पहले से थे, 1 आवर और आ गया, कितना गया? 19 आवर आ गए ना। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? सी। वो आपको क्लियर है ना? बहुत इजी। चलिए फिर से देख लेते हैं, है ना, नया क्वेश्चन है ना। पिछली वीडियो से में दोनों वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो उन्हें देख लीजिए, ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, क्योंकि वो साथ मिलकर टैंक को फिल करते थे, अब 1 by 1 सेपरेटली, ठीक है, वो फिल कर रहे हैं। ओके, तो ये 15 आवर्स एक जो है किसी टैंक को 15 आवर्स में कंप्लीट करते हैं, बी 25 आवर्स में, और दोनों की कैल्शियम कितना आ गया? 75, और ए की एफिशिएंसी कितनी होगी? 1 आवर वर्क, 5, और बी की 75 को 25 से डिवाइड करो, 3। अब बी से स्टार्ट करना है, तो पहले बी की बारी आई, फिर किसकी बारी आई? ए की। बी ने 3, फिर ए ने 5, तो टोटल 8 हो गया। 8 कितने 2 आवर्स में हुआ ना, फर्स्ट आवर में, सेकेंड आवर में, टोटल कितने आवर्स हो गए? 2 आवर्स हो गए। अब 2 आवर्स में कितना काम किया? 8 ना।
तो 75, 8 9 72 होते, तो 72, यानी कि जब 9 टाइम्स दोनों की बारी आ गई तो कितना कंप्लीट हो गया, 72, कितना बच गया, 3। अब किसकी बारी आएगी नेक्स्ट, 9 में तो दोनों की आ गई ना, तो स्टार्ट किससे किया था, बी से स्टार्ट किया था ना, तो बी की बारी आई, तो बी 3 है, तो 3 को 3 से डिवाइड किया, 1 आया, तो 18 पहले से आ गया था, 18 प्लस 1 कितना हो गया, 19, है ना बहुत ईज। स्टूडेंट्स हमारा सेकेंड क्वेश्चन है वो फर्स्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है, हर क्वेश्चन डिफरेंट होगा और हर क्वेश्चन में आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसीलिए वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिए। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, टू टैप्स कैन फिल अ टैंक इन 30 मिनट्स एंड 24 मिनट्स रिस्पेक्टिवली, द थर्ड टैप कैन एम्प्टी इट इन 12 मिनट्स। जो थर्ड टैप है वो उसको एम्प्टी कर रहा है, फर्स्ट टू टैप तो फिल कर रहे हैं, जो थर्ड टैप है वो इसको एम्प्टी कर रहा है, कितने मिनट्स में, 12 मिनट्स पे। द फर्स्ट टू टैप्स आर ओपन फॉर 6 मिनट्स, पहले दो टैप्स को 6 मिनट्स के लिए ओपन कर दिया, आफ्टर विच द थर्ड टैप इज आल्सो ओपन, देन टेल हाउ लॉन्ग विल दैट टैंक बी एम्प्टी। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कितने टाइम में टैंक खाली हो जाएगा। ओके चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है। फर्स्ट जो टैप है वो कितने टाइम में, 30 मिनट्स में फिल कर रहे हैं, ठीक है। जो सेकंड टैप है वो 24 मिनट्स ले रहा है उसी को, उसी टैंक को फिल करने में, और जो थर्ड टैप है वो उसी टैंक को खाली करने में 12 मिनट्स ले रहा है। 30, 24 और 12 का क्या निकालेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे ना, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 120, क्लियर। तो ये टोटल कैपेसिटी होगी, यानी कि कुल वर्क, टोटल वर्क हो गया हमारा, यानी कि जितना फिल करना है वो कैपेसिटी। ओके एफिशिएंसी तीनों की, इसके बाद एफिशिएंसी निकालते हैं, 120 को 30 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4, 25 4 से डिवाइड करेंगे 5, और 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10। ओके अब ये दोनों तो फिल कर रहे हैं, तो इन दोनों पे तो प्लस का साइन आ जाएगा, और ये ओपन यानी कि उसको एम्प्टी कर रहा है, तो इस पे किसका साइन आएगा, माइनस का। अगर तीनों का 1 आवर अगर एफिशिएंसी देखें तो कितना आएगा, नेगेटिव में आ गई ना। ओके अब हमारे पास क्या है, 6 मिनट्स के लिए फर्स्ट टू टैप्स ओपन करते हैं, यानी कि फर्स्ट 6 मिनट्स के लिए, 1 मिनट में कितना 4 प्लस 5 हो जाएगा 9, और 6 मिनट दोनों ओपन रहे तो कितना फिल किया, 9 6 54, यानी कि टोटल में से 54 फिल कर दिया। अब थर्ड टैप ओपन कर दिया, अब कितना खाली करेगा, जितना भरा है उतना ही खाली होगा ना, है ना। अब 54 भरा है तो खाली भी कितना होगा, 54 ही होगा ना, क्योंकि तीनों को अगर एक साथ खोलेंगे तो माइनस 1 आता है, यानी कि जो एम्प्टी होने का जो वो रेट है वो ज्यादा है ना। ओके तो 1 मिनट ज्यादा है ना, तो 54 टोटल है, तो 54 को 1 से डिवाइड कर दिया कितना हो गया, 54 मिनट में टैंक खाली हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, हमारा ऑप्शन है बी, है ना बहुत इजी, और है ना डिफरेंट पुराने क्वेश्चन से। स्टूडेंट्स हमारी इससे पहले दो वीडियो बन चुकी हैं, फिर से बता रही हूँ आपको, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी उनका जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां जाकर उन्हें देख लीजिए। स्टूडेंट्स हमारा थर्ड क्वेश्चन है, टू टैप्स कैन फिल अ टैंक इन 6 मिनट्स एंड 15 मिनट्स रिस्पेक्टिवली, द थर्ड टैप कैन एम्प्टी इट इन 18 मिनट्स, द फर्स्ट टू टैप्स आर ओपन फॉर 2 मिनट्स, आफ्टर विच द थर्ड टैप इज आल्सो ओपन, देन टेल हाउ लॉन्ग विल द टैंक बी फिल्ड। पिछले क्वेश्चन की जैसी ही ये स्टेटमेंट है, लेकिन उसमें खाली करना था और इसमें क्या करना है, फिल करना है, हो गया ना डिफरेंट, उसमें एम्प्टी करना था और इसमें उसको फिल करना है, तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंट है ना पुराने क्वेश्चन से। ओके चलिए देखते हैं, जस्ट सेकंड्स में करते हैं क्वेश्चन को। ओके चलिए, ओके फर्स्ट टैंक सेकंड टैंक और ये है थर्ड टैंक, इन कितने कितने टाइम्स, ये 6 मिनट्स में, ये 15 मिनट्स में, और ये 18 मिनट्स में, ये दोनों प्लस में आएंगे और ये माइनस में आएगा, क्लियर।
क्यों? क्योंकि ये दोनों फिल कर रहे हैं और ये एमपीटी कर रहा है। ओके चलिए, अब तीनों का एलसीएम, तीनों का एलसीएम आएगा 90। एलसीएम, एलसीएम वो नंबर होते हैं जो इन तीनों से फुल्ली डिवाइड होता है ना। 96 से भी डिवाइड हो रहा है, 90 15 से भी डिवाइड हो रहा है, 90 18 से भी डिवाइड हो रहा है। ओके अब क्या निकालेंगे हम? एफिशिएंसी। फर्स्ट स्टेप की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 15 6 90, तो 15 आ गया यहाँ पर, और इसकी कितनी हो जाएगी? 6, और इसकी कितनी हो जाएगी? 5। ओके ये दो पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगी? नेगेटिव। अगर 1 आर की तीनों की इकट्ठी एफिशिएंसी निकाले तो कितनी हो जाएगी? 16। 15 में से 5 माइनस कर दो, 10 प्लस 6 16 आ गया ना। ओके अब क्या कह रहे हैं? 2 मिनट्स, यानी कि 2 मिनट तक फर्स्ट टू टैब्स को ओपन किया। फर्स्ट टू टैब्स 15 प्लस 6 कितना हो गया? इनकी एफिशिएंसी 1 आर की कितनी है? 21। कितने टाइम तक ओपन रहा? 2 मिनट तक, तो 42। तो 42 तो फिल हो गया, उसके बाद थर्ड टैब ओपन करेंगे ना। ओके 90 में से 42 माइनस कर दो, 90 माइनस 42 कितना आ गया? 48। ओके अब 48 बचा हुआ है जो फिल करना है, और तीनों की एफिशिएंसी 1 आर की कितनी है? 16। 48 को 16 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 3। तो 3 मिनट में टैंक जो है वो फिल हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ गया? हमारा ऑप्शन आ गया सी, है ना, बहुत इजी स्टूडेंट्स। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, पाइप पी एंड क्यू फिल अ टैंक इन 32 एंड 40 मिनट्स रेस्पेक्टिवली, बोथ पाइप्स आर ओपन एंड आफ्टर एक्स माइनस 2 मिनट्स पी इज क्लोज, देन द टैंक इज कम्प्लीटली फिल्ड इन एक्स प्लस 2 मिनट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन पुराने वाले क्वेश्चन से डिफरेंट है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके जो पी और क्यू टू पाइप्स हैं, पी जो फिल करता है वो कितना टाइम में फिल करता है टैंक को? 32 मिनट्स में, और जो क्यू फिल करता है वो कितना टाइम लेता है? 40 मिनट्स। ओके पी 32 मिनट्स में, क्यू 40 मिनट्स में, क्या निकालेंगे अब? यस एलसीएम, तो दोनों का एलसीएम 160 आ जाएगा। अब कैसे आया है एलसीएम, इसके लिए आप हमारे वीडियो देख लीजिएगा। ओके चलिए अब इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। 160 को 32 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 5, और 160 को 40 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 4। अब देखिए स्टेटमेंट में देखते हैं, आफ्टर एक्स माइनस 2 मिनट्स पी क्लोज, एक्स माइनस 2 मिनट्स के बाद पी को क्लोज कर दिया गया, पी की एफिशिएंसी कितनी है? 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ओके देन द टैंक इज कम्प्लीटली फिल्ड इन एक्स प्लस 2 मिनट्स, यानी कि जो क्यू है वो तो एक्स माइनस 2 मिनट तक फिल करता रहा ना टैंक को, तब फिल हो गया टैंक। ओके तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 4 4 × x + 2, इतना टाइम लिया तो ये टोटल क्या होगी? टोटल कैपेसिटी होगी ना, वो कितनी है? 160। तो हमने इसको किसके इक्वल लिख दिया? 160 के। ओके सॉल्व करें, हो गया 5x - 10 + 4x + 8 = 160। ओके ये हो गया 9x - 2 = 160 और x कितना आ गया? 162 डिवाइडेड बाय 9, 9 1 जा 9 9 8 जा 72, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 18। x हमारा कितना आ गया? 18। ओके तो 18 x हमारा आ गया, तो लेकिन जो टैंक है, ओके तो हमारा आंसर तो आ गया ना 18 x की वैल्यू। और अगर हमें टोटल टाइम निकालना हो, टोटल टाइम, तो टोटल टाइम तो कितना है? x प्लस 2 है ना टोटल टाइम, तो 18 प्लस 2 वो कितना आ जाएगा? 20। भी कितने मिनट्स में पूरा टैंक फिल हुआ अगर पी को एक्स माइनस 2 मिनट के टाइम पे क्लोज कर दिया जाए? ओके है ना बहुत इजी। यहाँ पर मेरे क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके लिए, वैसे ही ऑरली करते हैं इसको। किसी टैंक को ए पाइप 32 मिनट्स में फिल करता है। ओके सोच लो किसी टैंक को ए 32 आवर्स में फिल करता है, बी उसी टैंक को खाली करता है, यानी कि माइनस का साइन लगा दे यहां पर, 40 आवर्स में। ओके
दोनों को एक साथ ओपन किया जाता है, 3/4 जब टैंक फिल हो जाता है तो बी को क्लोज कर दिया जाता है। तो कितने मिनट्स में टैंक फिल हो जाएगा ये निकालना है हमें। ओके, क्वेश्चन की स्टेटमेंट फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। ए किसी टैंक को 32 आवर्स में फिल करता है, बी उसी टैंक को 40 आवर्स में खाली कर देता है। जब 3/4 दोनों को एक साथ ओपन किया जाता है, जब 3/4 टैंक का फिल हो जाता है तो बी को क्लोज कर दिया, तो कितने टाइम में टैंक फिल हो जाएगा। ओके चलिए अब दोनों का एलसीएम लेंगे, वही सेम प्रोसेस है जैसे ये वाला क्वेश्चन किया था। 160 आ गया, एफिशिएंसी निकाली, यहाँ 5 आ गई, यहाँ 4, ये प्लस का आ गया, ये माइनस का। 1 आवर की एफिशिएंसी दोनों को साथ ओपन करें तो कितनी आ गई, 1। ओके 160 है ना टोटल कैपेसिटी, उसका 3/4 फिल होने के बाद बी क्लोज होता है, यानी कि कितने मिनट के बाद, चेक करते हैं इसको। 120 आ गई, यानी कि जब 120 फिल हो जाती है उसके बाद बी को क्लोज करते हैं। अब ए और बी जब दोनों को साथ में ओपन करें तो एफिशिएंसी कितनी है, 1, तो 120 को 1 से डिवाइड कर दे तो 120 मिनट्स तो ये आ गया, सॉरी आवर्स, आवर्स में क्वेश्चन है तो ये आवर्स आ जाएगा, इतने आवर्स आ गए, 120 आवर्स। उसके बाद टोटल कितनी है, टोटल 160 है ना, 160 में से 120 माइनस कर दो कितना आ गया, अब कितना कंप्लीट होना बच गया, 40 ना, तो 40। अब यहां पर ए की एफिशिएंसी कितनी है, क्योंकि बी तो क्लोज हो गया, ए की एफिशिएंसी 1 आवर की कितनी है, 5, 40 को 5 से डिवाइड कर दो कितना आ गया, 8। तो पहले कितना था, 120 आवर्स पहले थे, 8 आवर्स ये आ गए, टोटल 128 आवर्स में टैंक क्या होगा, फिल हो जाएगा। है ना बहुत इजी, और हर क्वेश्चन डिफरेंट था ना दूसरे वाले क्वेश्चन से। स्टूडेंट्स अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी, इससे पहले वाली 2 वीडियोस बन चुकी हैं नेल और टैंकी पर, अगर आपने वो नहीं देखी तो उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ये हमारी 3rd वीडियो है, आपको कैसी लगी, अगर ये अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिए। नल और टैंकी पर लास्ट वीडियो हमारी 4th वीडियो होगी, उसको देखने के लिए आप बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।